4 give dot 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 and now say to your son or daughter match these 4 dots to the lines चारों डॉट को लाइन में मिला कैसे ऐसे ऐसे तो इससे क्या होगा बिल्कुल सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे जिन भी बच्चों का ऐसा नहीं बेटा मुझे तो लिखने आती है तो मैं प्रैक्टिस क्यों करूं नो आप बिगनिंग से स्टार्ट कीजिए राइटिंग अगर थोड़ी सी भी खराब है तो उसको फिर से सुधारने का प्रयास करेंगे पहले राइटिंग लाइन फिर स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन कर्व लाइन ये चार लाइन के बारे में हम लोग जानेंगे बिकॉज अल्फाबेट्स जो भी आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो भी आप लेटर लिख रहे हैं वो सारे लेटर इन्हीं चार लाइन के हेल्प से मदद से आप लिख रहे हैं तो आज फर्स्ट क्लास में मैं सिर्फ स्टैंडिंग लाइन के बारे में बता रहा हूं कल फिर हम लोग स्लीपिंग लाइन के बारे में सीखेंगे आफ्टर दैट कर्व लाइन और आफ्टर दैट स्लाइडिंग लाइन जब चारों लाइन सीख जाएंगे फिर हम लोग राइटिंग लिखना शुरू करेंगे बिफोर वी राइट अ राइटिंग वी लर्न अबाउट फोर लाइंस चारों लाइन की जब आपको जानकारी हो जाएगी जब आप कॉपी पे चारों लाइन ड्रॉ करने लगेंगे तब आप देखेंगे आप जब राइटिंग लिखना शुरू करेंगे आप बहुत अच्छे राइटिंग लिख सकते हैं सो स्टूडेंट राइट योर होमवर्क इंग्लिश प्रैक्टिस टू पे दिस स्टैंडिंग लाइन मैं बता दूं स्पेशली फॉर पेरेंट्स आपको प्रैक्टिस करवानी है बच्चों से कैसे इंग्लिश फोर लाइन कॉपी निकालेंगे गिव फोर डॉट्स ऑन फोर लाइन जैसे मैंने बताया गिव वन डॉट हियर एक डॉट यहां दूसरा डॉट यहां तीसरा यहां चौथा यहां ऐसे आप डॉट्स बनाते जाएंगे पूरी लाइन में फोर डॉट्स बना देंगे बच्चे से कहेंगे मैच दिस डॉट्स इन डॉट्स को मिलाना है इन सेकेंड राउंड इन सेकेंड पेज दूसरे पेज में क्या करना है गिव ओनली टू डॉट्स फोर डॉट्स खत्म गिव ओनली टू डॉट्स सॉरी डॉट्स वन ऑन अपर लाइन एंड सेकेंड ऑन इन लाइन लास्ट लाइन वन डॉट टू डॉट इन सेकेंड पेज दूसरे पेज में आप इस तरह से डॉट देंगे और बच्चों को बोलेंगे दोनों लाइन को मिलाने के लिए थर्ड पेज में आपको क्या करना है कोई डॉट नहीं देना है थर्ड पेज में विदाउट डॉट यहां टू पेजेस नहीं यहां आप थ्री पेजेस लिखेंगे थ्री पेजेस स्टैंडिंग लाइन थर्ड पेज में नो डॉट सिर्फ उस पे बच्चे को खुद से सीधा सीधा लाइन खींचने के लिए देंगे दैट इज थर्ड पेज अनदर होमवर्क दूसरा होमवर्क जो हमारा मैथ्स में है राइट काउंटिंग नंबर 1 to 100 काउंटिंग नंबर आप लिखेंगे हिंदी में अ से लेके अनदर तक लिखेंगे इतना होमवर्क करने के बाद आप अपने होमवर्क का पेज पिक खींचेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे जिससे मैं समझूंगा आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है सो लेट्स गो ऑन फॉर स्टडी आप अपने पढ़ाई के लिए जाइए डायरी निकालिए सबसे पहले अपने होमवर्क लिखिए अगर आपके पास डायरी नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप अपने कॉपी में पहले होमवर्क लिखेंगे फिर होमवर्क करना शुरू करेंगे आप होमवर्क लिखेंगे